8 सितंबर 1926 को असम में जन्मे भूपेन हजारिका संगीत की दुनिया की एक ऐसी प्रतिभा के रूप में जाने जाते हैं जो कई भूमिकाओं में हमारे सामने आता रहा। उन्होंने संगीत, गायन, कविता लेखन, पत्रकारिता, फिल्म निर्माण जैसे अनेक क्षेत्रों में कार्य किया। बचपन से ही उनकी संगीत में रुचि थी और उन्होंने अपना पहला गाना विश्व निजोय नौजवान महज 12 वर्ष की उम्र में गाया था। असमी भाषा के अलावा हजारिका ने 1930 से 1990 के बीच कई हिंदी और बंगाली फिल्मों में गीतकार, संगीतकार और गायक के तौर पर कार्य किया। उनकी लोकप्रिय हिंदी फिल्मों में रुदाली, एक पल, दरमिया, दमन शामिल हैं। हजारिका को 1976 में फिल्म चमेली मीम साहब के संगीतकार के तौर पर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1967 से 1972 के बीच असम विधानसभा के सदस्य रहे हजारिका को 1977 में पद्मश्री से नवाजा गया। वर्ष 1992 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 1993 में जापान में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें फिल्म रुदाली में दिए गए संगीत के लिए सम्मानित किया गया। वर्ष 2001 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और वर्ष 2009 में असम रत्न अवार्ड भी दिया गया। असमिया संस्कृति में उनके योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें फरवरी 2009 में छात्रों द्वारा गुवाहाटी में उनकी आदमकद मूर्ति स्थापित की गई, जिसका उद्घाटन उन्होंने स्वयं किया। भूपेन हजारिका एक ऐसे विलक्षण कलाकार थे जो अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते भी थे। भूपेन हजारिका आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके संगीत की विरासत आने वाले कई पीढ़ियों को सदियों तक उनका एहसास कराती रहेगी। अनुज यादव, डीडी न्यूज़।